फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ व्रत वाली रोटी। इसके लिए मैंने लिए हैं आलू, 7 आलू हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आलू मैंने ना मैश करने थे भूल गई, आटा डाल दिया उसने। टेंशन में ना, घर के काम भी बहुत होते हैं, क्या करें। पहले अपने लिए रोटी सब्जी बनाई, फिर ये अनु तनु के लिए। मेरे और अनु का तो व्रत है नहीं ना, इसके पापा का है, वो खा के चले गए जल्दी जल्दी में। फ्रेंड्स में डालेंगे हम लाल मिर्च और डालेंगे सेंधा नमक। तनु ना नमक बहुत तेज खाता है, तो इसको नमक तेज ही डाल देते हैं आज, वैसे इसको तेज लगे। करवाता मेरे से रोज। इसमें और कुछ नहीं डालना फ्रेंड्स, जो व्रत वाली जो रोटी रहती है ना, मैंने इसमें वैसे हरी मिर्च काटी है, ये देखिए। थोड़ा सा मैंने अदरक भी काटा है इसमें, और मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। अजवाइन है मेरे पास पड़ी, लेकिन उसमें ना हाथ लगे हुए आटे वाले, तो मैं वो भी नहीं इसमें डालूंगी। तो मैं आटा गूंद लूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा मैंने गूंद लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये ना तवे पे भी बन जाती है और ऐसे भी बन जाती है। मुझे ना ऐसे वाले अच्छी लगती है, मैं ऐसे बना लूँगी और ये मैं कर लूँगी फ्राई। ये तवे पे भी बन जाती है और फ्राई भी हो जाती है, ये डीप फ्राई हो जाती है, तवे वाले शैलो फ्राई हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गई हमारी। फ्रेंड्स जैसे मकई की रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है इसको। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाती है ये रोटी, और टेस्टी भी बहुत होती है। व्रत में खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर जरूरी नहीं व्रत में खानी, आप ऐसे भी खा सकते हैं। बड़ी आसानी से उतर गई। मैं तो मक्की की रोटी भी ऐसे ही बनाती हूँ, एकदम आसानी से बन जाती है मक्की की रोटी। ये एकदम देखिए फ्रेंड्स, अनु कर रहा है, तनु कर रहा है लंच। मेरा और अनु का व्रत नहीं है, तो हमने खाना खा लिया है। तो ये है मेरी अनु की व्रत की रूटीन। आगे मैं अपनी रूटीन बताऊंगी हम क्या खाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल बन रहे हैं व्रत वाले तनु के लिए। इधर मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। जीरा हमारा क्रैक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जीरा हमारा क्रैक हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे मिर्च, हल्दी, बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना। व्रत वाली चीज़ें हैं तो इसमें कुछ हम ऐसा नहीं डाल सकते कि जिसमें कुछ भी
अनाज वाला हो। ये चावल बन रहे हैं देखिए, सुहाग वाले चावल। पहले ना मैं तनु के लिए बना देती हूँ, कुछ भी बनाना हो। देखिए गिर गया मेरा ढक्कन नमक का। पहले मैं तनु के लिए बना देती हूँ जो भी बनाना रहता है। बा ये बना करके उसको खिला करके फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने ली है थोड़ी सी इमली, तो चटपटे से आलू बन जाएंगे। तो मैं इमली मैंने भिगो के रखी है, तो ये मैं डालूँगी। ये मैंने इमली डाल दी है इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें अपने आलू, गिरे ही नहीं सारे। थोड़े से रस्से वाले रखे हैं ये, मतलब इसमें नमक मिक्स हो जाए आलूओं में, इसी में थोड़ा सा पानी डाला है मैंने ये देखिए, ताकि आलू में नमक मिर्च मिल जाए जो हमने डाला है। सूखे सूखे में ना इतना मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता उसमें। तो इधर देख लेते हैं, बस चावल भी बन ही गया। ये तो बड़े झट से बन जाते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे फ्रेंड्स। इसे ना आलू बाय बाती नहीं करते, देखो आज मेरे पास ना अदरक भी नहीं था, अदरक की जगह मैंने सौंठ डाली है बस। देखिए फ्रेंड्स चावल बन गए हैं, तो गैस को कर देते हैं बंद। देखिए फ्रेंड्स आज जो मैंने व्रत वाले आलू बनाए थे, अनु कर रहा है डिनर, तनु सच तनु कर रहा है डिनर। ये तनु है वो अनु है, ये खड़ा अनु, मैं अनु को तनु कह देती हूँ, तनु को अनु कह देती हूँ। गरम है की हो मिर्च दे जाए, हाँ चम्मच देंगे फोक दे। देखिए फ्रेंड्स मैंने बनाया है मटर पनीर, थोड़ा सा बनाया है, हम दोनों ही माँ बेटे खाने वाले हैं, तो ये बनाया है मैंने मटर पनीर। आपके साथ शेयर नहीं किया था फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही बनाया जितना हम खाएंगे।